क्या आपके बाइक का हॉर्न भी इस तरह का मरा हुआ सा आवाज़ करता है? तो इसे ठीक करने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप, स्वागत है आपका बाइकर्स बेसिक नॉलेज में। बाइक कोई भी हो, चाहे वो 100 cc का बाइक हो या 200 cc का बाइक हो, स्पोर्ट्स बाइक हो, कुछ भी हो, स्टार्टिंग में जो बाइक कंपनी से मैन्युफैक्चर होकर आती है उसमें सभी में एक ही तरह का हॉर्न दिया हुआ होता है। उसे आप खुद से घर पर ट्यून कर सकते हैं, उसे खुद से ठीक कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। यहाँ एक स्क्रू दिया हुआ होता है अंदर में, बस उसे टाइट या लूज करना होता है, क्योंकि हॉर्न जो होता है वो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है साउंड करने पर। तो उस वाइब्रेशन के चलते वो स्क्रू बहुत ज़्यादा ढीला या बहुत ज़्यादा टाइट खुद से हो जाता है। तो अगर वो ढीला या टाइट हो जाए तो साउंड पूरी तरह से बिगड़ जाती है, या तो बहुत कम आने लगेगी या तो बहुत ज़्यादा आने लगेगी। ज़्यादा टाइट हो गई तो बहुत कम साउंड आएगा, और ढीला ज़्यादा हो गया तो बहुत ज़्यादा साउंड आएगा। तो उसे ठीक करने के लिए, प्रॉपर ट्यून करने के लिए, आपको इस हॉर्न को खोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे खोल के भी कर सकते हैं, जैसे मेरे बाइक में यहाँ पे बहुत अंदर जगह दिया है तो मुझे इसे खोलना पड़ेगा, पर मैं इसे बिना खोले भी आपको ठीक करके भी दिखा दूँगा। आप खुद से कर सकते हैं घर पर, इसके लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। एक आपको स्क्रू ड्राइवर चाहिए या तो फिर एक प्लायर। प्लायर इसलिए क्योंकि यहाँ पर तो स्क्रू ड्राइवर घुसेगा नहीं, इसलिए मैं प्लायर से बाहर से ही कर दूँगा इसे। और अगर आप खोल के करेंगे तो आराम से स्क्रू ड्राइवर से आप ट्यून करते हुए, ट्राई करते हुए, उसे टाइट या लूज करते हुए प्रॉपर ट्यून करके फिर से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपको स्क्रू दिख रहा है, यही है इसका ट्यूनिंग वाला स्क्रू। ये हर हॉर्न में दिया होता है और ये इसी साइड मिलेगी आपको। हो सकता है किसी से में उस साइड में मिल जाए, पर ज़्यादातर केस में ये इस साइड में ही रहती है। तो इसी को टाइट या लूज करके इसका ट्यून सेट किया जा सकता है। तो मैं आपको अपने इस बाइक का हॉर्न एक बार सुना देता हूँ। जैसा कि आप सुन रहे हैं, ये बहुत ही दबा दबा सा आवाज़ आ रहा है। तो इसका दबने का कारण है वही ट्यून वाला स्क्रू। इसका स्क्रू जो है वाइब्रेट करते हुए ऑटोमेटिक खुद से अपने आप टाइट हो गया है। तो इसे लूज करने के लिए मैं इसे बिना खोले यहाँ पे लूज करूँगा इसे इस प्लायर की हेल्प से। इस प्लायर को ये यहाँ से आराम से घुस जाएगा, इसलिए मैं इसे खोल नहीं रहा हूँ, इसे यहाँ बाहर से टाइट कर रहा हूँ। और आप खुद से आप इसे कर सकते हैं। बहुत केस में हॉर्न यहाँ पे दिया होता है, ये यहाँ पे दिया होता है, ये बाहर वाली जगह में होता है, तो उसको आपको ऐसे ही खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस तरह अंदर में तो आप इसे आराम से खोल करके कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं होता है। एक बोल्ट होता है वो 12 या 15 नंबर का, आप पाना लगा करके उसे खोल सकते हैं। उस खोलने के बाद आप इसे आराम से ट्यून कर सकते हैं। ये बहुत पतला सा जगह है, पर यहाँ पे ये प्लायर आराम से घुस जाएगा और इस स्क्रू को पकड़ लेगा। तो मैं इसे इसे बाहर से ही यहीं से टाइट या लूज कर सकता हूँ। तो इसके लिए पहले मैं इसे स्पार्क प्लग को तार को हटा देता हूँ ताकि थोड़ा और जगह बन जाए, फिर मैं इसे लूज कर लेता हूँ। ये एंटी क्लॉक वाइज जो है लूज होगा और क्लॉक वाइज जो है टाइट होगा। इसे टाइट या लूज करते हुए बीच बीच में एक बार हॉर्न आप बजा करके चेक कर सकते हैं कि ये हॉर्न ठीक हो भी रहा है या फिर नहीं। तो दोस्तों, जब भी आप अपने हॉर्न को ट्यून कर रहे हो, बीच बीच में एक बार हॉर्न को बचा करके प्रॉपर चेक कर लें कि कहीं वो ट्यून हो तो नहीं गया। ऐसा ना हो कि आप ट्यून कर दिए हो और वो फिर स्क्रू और ज़्यादा ढीला हो जाए और आपका हॉर्न सच में ख़राब ना हो जाए। तो दोस्तों, सुना आपने इसका हॉर्न का साउंड? तो बस एक छोटे से स्क्रू, सिर्फ एक छोटे से स्क्रू की वजह से मेरा हॉर्न जो है वो वापस पहले जैसा बजने लगा। आपने स्टार्टिंग में सुना था कितना दबा हुआ साउंड था, और अब आपने सुना कितना हाई है इसका साउंड। तो बस एक छोटा सा स्क्रू और आपका हॉर्न पूरा ओके। इस छोटे से स्क्रू की वजह से देखा आपने कितना कम और कितना ज़्यादा साउंड हो जाता है, और हम सोचते हैं कि हमारा हॉर्न ख़राब हो गया है या फिर बैटरी डाउन हो गया है। तो दोनों में से कुछ नहीं हुआ है, बस एक स्क्रू जो है हल्का सा टाइट हो गया था। सब कुछ पहले जैसे ठीक हो जाने के बाद मैं इसे वापस सेट कर देता हूँ। तो देखा दोस्तों आपने, सिर्फ एक प्लायर या फिर एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप अपने हॉर्न को कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके लिए कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसी तरह बाइक से रिलेटेड मेंटेनेंस और राइडिंग टिप्स के वीडियोज़ पाने के लिए। मिलते हो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।